हेलो जी, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं डाला, तो आप सब ने वेट करा होगा। कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मेरा मन नहीं करा बनाने का, तो आज मैंने नहीं डाला। और अभी आपको देखने को मिलेगी, आज मैंने इस पैंट की कटिंग वीडियो बनाई है, और वो भी मैंने पूरा अपना नाप लेके है, तो या किसी कस्टमर की, पर सेम इतनी है जितना मेरा नाप है। तो पूरा मैंने अपना नाप लेके फिर कटिंग कराया है। मैंने सोचा ठीक तो समझ में आवेगी, कई बार ना कई चीज़ समझ में ना आवे, तो मेरे दिमाग में यूं आया मैं पहले अपने फुल अपनी पैंट का नाप लेके दिखाऊं, फिर कटिंग करके बताऊं, ताकि अच्छे से समझ में आ जा। तो मेरी कोशिश यह रहा है, जो भी देखा अपने उन बहना का समझ में आ जा, और वह अपने घर पर अपना काम कर ली, उससे अच्छी की बात है। ठीक है, तो यह पैंट मैंने सील ली और इसकी कटिंग वीडियो मैंने बनाई है न्यूनिहा बुटीक पर, मिल जाएगा आपने। जब मैं व्लॉग डालूंगी तो इसने भी एडिट करके डाल दूंगी। और इसका थोड़ा सा मैंने आगे तक पहुँचा इस तरह से बनाया है, पहनागा ना तो ये आगे आओगा, ये कट वी कट, तो ये पहनी हुई अच्छी लगेगी। सिंपल का सिंपल है और डिजाइन का डिजाइन है, पहने हुए एकदम अच्छी लगेगी। क्यों, जो सूट के नीचे पैंट होंगे ना, उनमें सब मैं तो लैस वैस नहीं लगा सका, कढ़ाई के सूट होंगे हैं तो सब पे तो लैस भी अच्छी ना लगे। इस तरह तो हल्का फुल्का डिजाइन हो जाए, तो डिजाइन का डिजाइन बन जाए और अच्छी की अच्छी लगे। तो ये डिजाइन मैंने इसका बनाया था, एक मैंने यह पैंट सिल ली थी, यह पैंट भी मैंने सिंपल सिल रखी है, अस्तर वाली है। और इसका इंटरलॉक नहीं कराया है, जैत या उल्टी करके ये रखी, इसने भी उल्टी करूँगी, इंटरलॉक भी इनका करना बाकी है। और इस पैंट का जो मैंने ये डिजाइन बनाया ना, या पेस्टिंग पेपर लगा के बनाया है, इसकी मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी, तो वह आप देख लियो, जाके आपके समझ में आ जाएगी कि ये मैंने किस तरह से बनाया है। जिस किसी ने भी बनाना हो आप देख सकते हैं। और एक या पैंट काटी थी ब्लैक कलर की, एक इसका ब्लैक कलर का सूट फुल अस्तर का है, ये भी कटिंग कराया है, इसका भी सूट कटिंग कराया है। एक धीरे धीरे अपना काम शुरू करने लग रही हूँ, एकदम से तो कई दिन घर ने ठाली रहा ही ना, तो जी सा ना करा, दो दिन तो मैं कती नहीं आला ठाली में। कल तो मैंने दो पैंट बनाई ना, व्लॉग बनाया मैंने। आज मैंने के काम कराया है, सुबह उठ के या पैंट बनाई और मैंने सूट कटिंग करा दो तीन, मंगाई भी कई दिन का हो रहा है तो देना भी तो पड़ेगा। और मैंने जो शॉर्ट वीडियो में दिखाया था ना सूट, उस सूट का इनर ना मंगवाया है, पर मैंने सलवार तो सील ली, मैंने इस सूट का सलवार ही सीलना था। और मेरे पास है ना ब्लू सूट था भी कोई नहीं, मेरा जी कर रहा था कई दिन तक, ब्लू सूट मेरे पास पहुंच गया ब्लू सूट। और मैंने है ना बेल्ट पे आगे सिलाई लगा ली है, यहाँ तक लेके जहाँ जहाँ तक चुन्नट डाल रखी है ना, यहाँ तक, या मैं न्यू लगा लिया करूँ, पेट तो लिकड़ा हुआ है, ये पेट पे तो सलवार डट रहा नहीं। और फिर आगे तो ये सेंटून वाला कपड़ा हुआ है ना, आगे तो पोंचे पे गिरा है, लटका है सलवार, तो लटकती हुई सलवार है ना बिल्कुल भी अच्छी ना लागे। तो आगे आगे एक सिलाई लगा लिया करूँ, या सिलाई क्यों लगा लिया करूँ, ताकि आगे तो सलवार उठी रहे, उकसी रहे, और पीछा तो ना उकसे। अगर पूरी बेल्ट कई न्यू सोचें तो पूरी बेल्ट छोटी कर लेती, फिर आगे आगे तक की जरूरत थी, पूरी छोटी बेल्ट करने में पीछा तो भी छोटी हो जाए है, तो पीछा तो पहुँचा उकसा है चालते आनी, जै तो मैं आगे आगे तक लगाया करूँ। कई मैंने अपना दिमाग अपना आप ही घुमा लिया कर। तो आज मैंने करा है यो काम, और मैंने सोची कई दिन हो गया स्टिचिंग व्लॉग वाला पर भी नहीं डाली है, तो मैंने आज पैंट कटिंग करके डाली है। और कई बहनों का कमेंट भी आ रहा था कि यहाँ की पैंट टाइट हो गई है, तो वह चीज़ मैंने सोची मैं ठीक तक समझा दूँ, ठीक तक अपना नाप लेके फिर कटिंग करके बताऊँगी, तो उसका उनका अच्छी तरह तो समझ में आ जा। कोशिश तो मेरी पूरी रहा है समझावन की, भाई किसी को समझ में आवे तो, पर आ जाएगी सा तो इसी तो कोई बात को नहीं, एक दो बार देखा तो आ जाएगी।
है और एक बहन ने कह रखी थी कि पैंट टाइट हो गई, अब क्या समाधान करे। अगर थाई में तो टाइट है तो समाधान के है, अगर कस्टमर की है तो खराब ही होगी। पैंट का ही सा काम है, पैंट अगर टाइट होगी ना तो फिर वो ठीक नहीं होगी। पैंट ने पहले तो इतनी सावधानी तक काटनी पड़े है, उसमें मार्जिन थोड़ा बहुत अलग एक्स्ट्रा लेना पड़े है, नहीं लिया ना तो फिर वो टाइट होगी तो उसका कोई समाधान नहीं है। अगर खुद की पैंट हो ना तो कपड़ा लगा ले चल जाओ, वो कपड़ा फिर अच्छा भी ना लगा। अगर यहाँ तो टाइट है हिप में तो ला लो तो यहाँ म्यान नहीं डल जाएगी तो यहाँ तो ठीक हो जाएगा, पर थाई में तो टाइट है तो फिर मुश्किल हो जाए बात। बाकी समाधान है, एक समाधान तो है जो थोड़ा हर डिजाइन बनाना पड़ेगा। अगर आपकी पैंट यहाँ तक टाइट होगी थाई में तो ये चीज पता है उसका क्या समाधान है, यहाँ तक 2 इंच की पट्टी यहाँ तक लेके और नीचे तक पूरी में डाल लो, यह वाली सिलाई और नहीं, यह वाली सिलाई खोल के और 2 इंच की पट्टी पूरी में डाल दो। इसके बीच पट्टी के बीच पाइपिंग दे दो या कोई लैस दे दो पतली दोनों साइड, तो यो डिजाइन का डिजाइन बहुत सुंदर लगेगा और पैंट भी लूज हो जाएगी और देखने वाले को पता भी नहीं लगेगा ये डिजाइन है क्या पैंट है। अगर किसी की थाई में तो टाइट हुई है ना पैंट तो यो वो करियो समाधान। और जो नीचे मोरी है ना, मोरी थोड़ा बता दूं मैं, जैसे पूरे में 2 इंच का हमने ये डाल दिया, डालने के बाद यहाँ तक जो मोरी हो है ना यहाँ तक आ गई, मोरी का दोनों साइड ऐसे थोड़ी थोड़ी गोलाई कर दियो तो वो लुक बहुत अच्छा लगेगा। और एक सिस्टर ने पूछा था ट्राईपोड का, तो ट्राईपोड तो वैन मैंने ले लिया है, अभी तक तो मैं ऐसे ही काम चला रही हूँ। यो मैंने पहले लिया था काफी टाइम पहले, इस तरह मैं करा करूँ स्टिचिंग की वीडियो रिकॉर्ड करा करूँ, कटिंग की और स्टिचिंग की, ठीक है। और एक मैंने रिंग लाइट ली थी तो रिंग लाइट ऊपर की तो मेरी गई टूट, और दिखाऊं नीचे का, यो देखो यह रिंग लाइट की है और यहां पर रिंग लाइट तो मैंने निकाल रखी, वैसे डल तो जा है वाह, मैंने निकाल रखी है और इसमें यो सीधा वाला यो डाल रखा है, इसमें फोन लग जा है पर वो लॉगिंग लॉगिंग ही उसका है, इसमें सीधे सीधे बाकी कुछ काम नहीं हुआ। तो ट्राईपॉड की तो मैंने जरूरत है, मैंने भी लाना है, अभी तक तो मैं लिया ही नहीं हूँ, लाऊंगी ना तो जरूर दिखाऊंगी। तो गाइज और के कुछ करना था मैंने भूल जाऊं, लॉगिंग बनाने लग उन्हें मैं सारा दिमाग में तो मेरा क्वेश्चन लग जा है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूं उन्हें तो मैं सबका जवाब देने की सोचा करूं कि इसका जिसका जवाब मैंने वही देना होना तो मैं वही लिख के दे दिया करूं, एक आधा का ईसा होने उसने भाई थोड़ा समझा के बताऊं बोल के बताऊं तो फिर मैं उरे व्लॉगिंग में बताने की कोशिश करा करूं। बाकी याद रह जाए तो बता दूं, नहीं तो मेरे दिमाग में तो एक आधा लकड़ जाया करे। ये मैं सोचूं हूँ और कौन सा क्वेश्चन था जिसका मैंने बताना था, पेंट का तो मेरे कन एक दो का कमेंट आ लिया था तो यह चीज वैसे बताने की नहीं थी मैसेज करके, मैंने सोचा समझा के बताऊंगी थोड़ा, हाँ भाई थाई पर तो टाइट है तो ऐसे करके डिजाइन डाल लियो, अगर ऊपर हिप जैसे यहाँ तक हिप का ना तो टाइट है तो यहाँ तक मैनी डल जाएगी, मैनी डाल लियो, पैंट का यो समाधान है। बाकी मैंने आज अच्छे तरह पैंट कटिंग करना बताया है तो उस पैंट कटिंग ने देख के मैंने यूँ लगा है आपकी कोई पैंट खराब नहीं होगी, तो वह वीडियो आप एक बार जरूर से देख लियो। अब मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो गाइज हमारी लाइन में है शादी और कार्ड तुम्हारा आ रहा था, ये दरा कार्ड मैं गई ना किसी प्रोग्राम में, क्यों मैं कुछ तो घर से आ रही थी, बाहर
यू कार्ड आ रहा है पर मैं शादी में कोई भी प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाई, तो ईव निकलन लग रही है, निकासी 7:15 हो गया, तो मैं थोड़ी देर, मंजू का फोन आया है कि आज निकासी लेकर है, थोड़ी देर देख लिए, तो टाइम पास खातर थोड़ी देर जाऊं और आप सब ने भी दिखाऊं कि लाइन में जो शादी हुए हैं किस टाइप के हुए हैं। मैंने भी बाकी यहाँ की शादी देखी नहीं है, एक शादी में गई थी सर्दी सी में, बाकी कोई ऐसे शादी वादी यहाँ पर थी नहीं, तो अब देखते हैं जाके कि यहाँ निकासी कैसे निकालते हैं, ठीक है, आप सबको भी दिखाती हूँ। और अभी मेरे को सूट पहनना पड़ेगा बाहर जाके, और मैंने आज है ना तेल भी लगाया था बाला, तो मैंने बाल भी पूरा चेप रखा। तो ये तो फटाफट मेरे तो कौन दो है, बाल तो चिपया पड़ा रंगा, पर मैं सूट तो पहरे लियो हूँ। और ये मैं नाल ही जल्दी जल्दी फटाफट सिर भी धोया ही, सुकान लाग रही हूँ, चिपचिपा सा बाल हो रहा था, फिर मैं सोची धोए आऊं। और मैंने यो येलो सूट पहन लिया, गर्मी में ना इनर वाला सूट पहनना बिल्कुल भी मन ना करे, तो ये सूट मेरा गा है पतला सा है, बिल्कुल भी गर्मी ना लागे, तो मैंने यो पहन लिया इनर वाला, तो भाई को सुती गर्मी लागे, स्ट्रेट सलवार, पोंचे पे लैस, और बाकी तो बहुत सारा तो ये देख रखा, जो न्यू कस्टमर जुड़े है ना, कस्टमर नहीं सब्सक्राइबर, उनके लिए दिखा रही हूँ मैं ये, बाकी तो सब ने देख के रखा। थोड़ा बाल सुखाऊं फिर फटाफट निकलूं। तो जी आगे मैं नीचे, और बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, तो शाम का टाइम 8 बज चुके हैं, चलो देखते हैं। तो जी गाइज आ गई मैं घर वापिस, और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, कुसुती गर्मी है, 9 बज गया 9, और इब मैं बना ली हूँ रोटी सब्जी, कुछ भी तैयारी ना कर रखी मैंने, इब गर्मी फटाफट फटाफट, फ्रिज में आटा रखा है इसने निकाल के रख दूँ ताकि वो नॉर्मल हो जाएगा, एक थैली दूध गर्म करूँगी, कुछ दही जमाऊँगी तो दूसरी बार निकाल लेती हूँ, तो गाइज अभी पहले कपड़े चेंज कर लेती हूँ मैं, फिर मैं खाना बना लेती हूँ, और बच्चा मेरा अभी नहाएगा, बच्चा नहा ले बेटा गर्मी है। और गाइज व्लॉग का करते हैं यहीं एंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।